हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको सोयाबीन वेज कीमा बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम जायकेदार रेसिपी लेके आते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। मैं रिफाइंड का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो घी या मक्खन भी यूज कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 3-4 लौंग है, 4-5 इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा तेल गर्म होने देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। मीडियम साइज की 3 प्याज ली थी मैंने, जिसको इस तरीके से काटा है। आप चाहे तो इसे बारीक भी काट सकते हैं। इसके अंदर हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से। मिला के प्याज का हमें कच्चापन खत्म करना है, तो जब तक कच्चापन खत्म ना हो तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। इसके अंदर हम सोयाबीन ऐड करेंगे। लगभग 1 कटोरी सोयाबीन है, जिसे मैंने 10 मिनट पानी भिगो के रखा था और फिर चॉपिंग मशीन से चॉप किया है इसे। इसमें हम 5-6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रखें। इसे मिलाएंगे अच्छे से मिला के इसे भूनना है हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक। मिलाते रहे, भूनते रहे। मैं भून लूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सोयाबीन हमारी भुन चुकी है जितना हमें चाहिए। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी, और धनिया पाउडर इसके अंदर हम 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच इसके अंदर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और इसको मिलाएंगे अच्छे से मिलाना है इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। तरीके से इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 टमाटर का पेस्ट यूज कर रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छे से मिलाए इसको। देखिए, अच्छे से मिला के मैंने इसको लगभग 1-1.5 मिनट भुना है इस तरीके से। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये 1/2 गिलास पानी यूज किया है मैंने इसमें, क्योंकि मुझे इसे पकाना है तो नीचे तले पे जले ना, इसलिए पानी इसमें हम आप अपने हिसाब से डालें। मैंने 1/2 गिलास डाला है। इसको ढक के हम 8 से 10 मिनट तक कुकोने देंगे। ये देखिए, 8 से 10 मिनट मैंने इसे ढक के कुक किया है। ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, कीमा हमारा एकदम तैयार हो चुका है। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, इसे मिला लेते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है, ऐसी सब्जी है ये कीमा इस तरीके का है सोयाबीन का, कि आप चाहे तो इसे टिफिन में पैक कर दीजिए बच्चों को स्कूल में या ऑफिस के लिए, या फटाफट आपका कुछ बनाने का मन नहीं करता, फटाफट कुछ बनाना है तो इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं आप। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। घर में कोई सब्जी भी ना हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। ये देखिए, आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। अपनी राय जरूर दें कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।